Assalamu alaikum ji, here is Bilal Murtaza and I'm back with another video. So, story bhai kuch aisi hai aaj ki. Dekhen. साढ़े आठ बजे सुबह निकले थे मंतुहा वाटरफॉल के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम जो है वीडियो में आपने देखा है. तो जाना हमने शिगर फोर्ट था, सबसे पहले हम लोग गए मंतुहा वाटरफॉल, उसके बाद हमने जाना था हमोच वाटरफॉल पे. हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, इस वजह से हम लोग जो है हमने हमोच वाटरफॉल को मिस करवाया और हम लोग चले गए कोल्ड डेजर्ट. और कोल्ड डेजर्ट भी रास्ते में था, असल डेस्टिनेशन जो था वो था शिगर फोर्ट. आज ट्रिप का चौथा दिन है जिसमें मैं आया हूँ, और सुबह तकरीबन हम लोग आठ नौ बजे निकल गए थे वहाँ से अपने होटल से खाना शाना खा के, और उसके बाद फिर हम लोग गए मंतुहा वाटरफॉल. और मंतुहा वाटरफॉल के बाद हम लोग ने जाना था हमोश वाटरफॉल पे. वहाँ पे हम नहीं जा सके क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और हमारा कोल्ड डेजर्ट जो रह जाना था. ये फिलहाल मैं खड़ा हूँ कोल्ड डेजर्ट में, तो जो है ना अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे, अगला हमारा डेस्टिनेशन है वो है शिगर फॉल्ट. सरफरंगा डेजर्ट जो है ये ऑलमोस्ट 7500 फीट हाइट पे जो है ना लोकेटेड है, और सर्दियों में यहाँ पे बहुत ठंड होती है, स्नोफॉल भी होती है. लेकिन जिस टाइम पे हम गए थे अनलकीली वहाँ पे जो है गर्मी. और यहाँ पे ये बॉयज़ अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, आई मीन जब भी बंदा इधर आए तो इस टाइप की कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए, अच्छी मेमोरी बन जाती है. एंड नाउ दे आर लाइक उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया. एंड आई एम टेलिंग यू भाई, सरफरंगा का कोई कोना नहीं छोड़ना, हर कोने को कवर कर देना. वैसे इसका नाम कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन फ़िलहाल अगस्त का मौसम है यहाँ पे, जब मतलब आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त का मंथ है और यहाँ पे जो है ना मतलब ठंड है नहीं. आप मेरे गेटअप से आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब यहाँ पे कितनी ठंड होगी. यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 20-21 डिग्री का टेम्परेचर है फिलहाल, रात को शायद ठंड हो जाए. और सर्दियों में कहते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी होती है, इसका जो है फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है. और मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि जितना ज़्यादा कर सकूँ, जितने ज़्यादा अच्छे शॉट्स ले सकूँ. He was shouting on us, and when I said, "Yaar, video ban rahi hai, video ban rahi hai," and he was like.
now we are moving towards Shigar Fort. जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं शिगर फोर्ट की गलियों में, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं शिगर फोर्ट के बाहर और हम लोग अलग-अलग करके यहाँ पे पहुँचे हैं। और अगर जब पहुँचे हैं तो इन्होंने यहाँ पे जो है एक नया ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, मतलब कोरोना स्क्रीनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब करवा के आए हैं जब आए हैं, लेकिन यहाँ पे एंटर नहीं होने दे रही है, कह रहे हैं कोरोना का टेस्ट लेके आए, लेके आओ। मतलब कोरोना का टेस्ट हम कहाँ से लेके आए, अगर हमें अंदर जाना है तो आप जाने दो, लेकिन ये इनको कोरोना का टेस्ट चाहिए। तो भाई पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद अगर आपको बाद में ये सुनने को मिले तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके अलावा ये मेरी कुछ फीलिंग्स थी जो मैंने आपको बताई, मतलब पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद यार हम लोग लिटरली वहाँ पे पहुँचे और उन लोगों ने बोला कि भाई कोरोना टेस्ट लेके आओ। कोरोना स्क्रीनिंग हमने करवाई यार, पहले करवा के आए, ठीक है, हमें कोई कोरोना नहीं है, हम यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ से हम कोरोना जो है टेस्ट करवाएं पहले और उसका रिजल्ट का वेट करें और फिर अंदर शिगर फोर्ट के जाएँ। तो खैर मेरी तो फीलिंग्स फिर यही थी कि भाई जो वीडियोस में देखा था वो इतना हास ही लगा मुझे, तो अब देख नहीं सके तो ये बात तो मैं बोल ही सकता हूँ ना ये बात बोलने का मुझे हक तो बनता है कि नहीं बनता। तो खैर अभी इस पार्ट को एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।